हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्त डिशेस। आज हम बनाएंगे आम और अदरक का अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा होता है। आम का सीज़न भी आ गया है, तो आम का अचार तो सभी लोग बनाते हैं, क्यों ना हम बना के रख लिया जाए आम का अचार। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, सभी को बहुत पसंद आता है। आज हम बनाएंगे आम का अचार। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये हमने दो कच्चे आम लिए, ये क्वांटिटी में 200 ग्राम आम है, और ये हमने 50 ग्राम अदरक लिए। आम और अदरक का अचार बनाएंगे। और ये 50 ग्राम लहसुन लिया है, इसे हम बनाएंगे। अभी आम हम अच्छे से धुल के साफ करके रखे हैं, अब इनको हम काट लेंगे क्यूब्स में। अभी हम अदरक को पीस लेंगे इसमें जार में डाल के। इसका एक अच्छे से पेस्ट तैयार करेंगे हम। अब हम पहले अदरक को पीस लेंगे, फिर उसके बाद लहसुन पीसेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हमको पीसनी है। अभी हमने ये क्यूब में काट लिए हैं, अब इनको हम 2 घंटे के लिए धूप में डाल देंगे। इसमें जो हल्का सा पानी है ये अच्छे से सूख जाएगा, इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, अभी 2 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा अचार अच्छे से सूख गया है। ये देखिए, इतना ही सुखाना है, इसका पानी अच्छे से सूख गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख लिया है अच्छे से। ये हम यूज करेंगे इसमें सरसों का ऑयल। इस अचार बनाने में हम सरसों का ऑयल यूज करते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। अभी हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसको हम पकाएंगे कच्चे आम को। इसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल, इसमें हम सारा डाल देंगे। अब इसको तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। अभी हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ये कच्चे आम के क्यूब्स। इनको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करा, हल्का ही फ्राई करेंगे। इस तरह से हम सारे डाल देंगे। अभी हमारे ये आम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अभी हम इनको निकाल लेंगे। अभी हमने आम को अपने निकाल लिया है, अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक का पेस्ट, उसको हम भूनेंगे। ये देखिए, इसको हम सारा डाल के भून लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है हमारा गार्लिक। ये देखिए, ब्राउन कलर इसमें आ गया, डार्क ब्राउन। इसको डार्क ब्राउन होने तक पकाना है अच्छे से। अब इसको हम उसी आम में, जो आम हमने पका के निकाले थे, उसी में इसको निकाल लेंगे। अभी हमने सारा गार्लिक निकाल लिया, अब इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट, जिंजर का पेस्ट, इसको हम भूनेंगे। इसको हम इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, इससे हमारा नीचे चिपकेगा नहीं। अगर चलाना हम बंद कर देंगे तो नीचे से चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारी भुन चुकी है, डार्क ब्राउन हो चुकी है, ये देखें। अभी इसको हम उसी बाउल में फिर से निकाल लेंगे जिसमें गार्लिक और आम निकाला था। अभी हमने डालने के लिए इसमें थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। ये हमने पीली वाली राई ली है, इसको हमने दरदरा कूट लिया, और ये काली वाली राई है, और ये 8 से 10 काले मिर्च हैं, ये 8 से 10 लौंग है। इनको हम भून लेंगे उसी में डालने के लिए अचार में। अभी हम इसको इसी कढ़ाई में भून लेंगे इसी ऑयल में। अभी हमारे सारे मसाले पक चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे ये कुटी हुई राई पीली, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी इस ऑयल में हमने सारे मसाले भून के इसी में डाल के रख दिया, इससे इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाते हैं। और इसे ऑयल को अभी हम ठंडा होने देंगे कम से कम 1 घंटे तक, अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब सारे हम मिक्स करेंगे मसाले। अभी हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है, 1 घंटे हो गए, इसमें मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से आ गया। अब इसे हम सारा मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये
एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये एक चम्मच नमक, नमक आपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक पड़ता है, ये हल्दी पाउडर एक चम्मच। अब वो अपना ऑयल डालेंगे इसी में, डाल के सारा मिक्स करेंगे इसमें। अभी ऑयल पड़ चुका है, इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको सारा। आप देख सकते हैं हमारा अचार बनके तैयार हो चुका है। इसे आप एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर पसंद आए तो बनाएगा ज़रूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।